आज के इस विशेष आयोजन में बड़े हर्ष के साथ कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में इस पार्टी के नीतियों में इस पार्टी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ रही है और इसी दौरान विशेष करके बिहार में जहां कल तक हम समझौते की राजनीति कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे लोग जो कल तक हमारे सहयोगी पार्टी के समर्थन में थे आज माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां देश भर में एक ऐसा माहौल बना है कि अगली सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बने, उसी क्रम में देश भर में सैकड़ों प्रमुख लोग प्रत्येक स्थान पर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। आज हमारे मंच पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बिहार के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी उपस्थित हैं, प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के प्रभारी भाई धर्मेंद्र प्रधान जी उपस्थित हैं, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और भागलपुर के सांसद भाई शहनवाज जी उपस्थित हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई नहीं जनाब 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 शहनवाज हुसैन जी उपस्थित हैं, हमारे बीच में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी उपस्थित हैं, हमारे साथ केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर बूथ समितियों के देखरेख के लिए सह प्रभारी के रूप में पार्षद माननीय हरिंदर प्रताप जी उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में विशेष तौर से आज हम आपको दो ऐसे हस्तियों के बारे में बताना चाहेंगे जो आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। सबसे पहले बिहार से जो अभी तक जनता दल यू के समूह में उन्हें अनौपचारिक तौर से उनका समर्थन करती रही हैं लेकिन आज औपचारिक तौर पर श्रीमती पुतुल सिंह जो बांका की सांसद हैं और स्वर्गीय श्री दिग्विजय सिंह की पत्नी हैं जो स्वर्गीय दिग्विजय सिंह 1980 से राज्यसभा के सांसद रहे, उसके पश्चात लोकसभा का चुनाव जीते और उसके पश्चात केंद्र में मंत्री भी रहे, उनकी एक बिहार में पहचान थी। उनके स्वर्गवास के बाद बांका से पुतुल जी बांका से सांसद हुई और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। बिहार की ताकत बढ़ रही है, उसके साथ साथ देश की भी ताकत बढ़ रही है। उनके परिवार के लोग यहाँ हैं, उनकी बेटियाँ जो हमारे साथ हैं यहाँ उपस्थित हैं। हम औपचारिक तौर से उनसे आग्रह करेंगे कि आप मंच पर आने का कष्ट करें। पुतुल जी, इसके साथ साथ हमारे बिहार से ही प्रमुख नौजवान कार्यकर्ता जो 5 वर्षों तक लोकसभा में सिवान से बैठा लीजिए, दो इस तरफ बैठा, इस तरफ बैठा लें आप, उधर यहाँ बैठे, यहाँ जैसे यहाँ पर जगह है, 2 सीट है सर यहाँ पर, जो भारतीय जनता पार्टी में इसके पूर्व सिवान से सांसद रहे, निर्दलीय सिवान से चुनाव जीत के आए और विशेष करके उस परिस्थिति में जहां सिवान की गतिविधियां हमेशा बिहार के लिए कठिन बना रहा, आज हमारे बीच में जो हाल फिलहाल तक जनता दल यूनाइटेड के साथ भी कुछ हद तक उनके साथ जुड़े रहते थे, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में हमारे बीच में सम्मिलित होने का निर्णय लिया है। ओम प्रकाश यादव जी जो सिवान से सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे, उनसे मेरा आग्रह है कि आप मंच पर हमारे बीच में आने का कष्ट करें। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से आभार व्यक्त करना चाहेंगे और विशेष करके हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री वेदानंद सिंह जी जो जनता दल यूनाइटेड के जिला के अध्यक्ष बांका के रहे और बड़े लंबे अरसे तक वहीं बैठा जाए, बड़े लंबे अरसे तक जनता दल यूनाइटेड से जुड़े रहे, आज जो हमेशा स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी के साथ काम करते रहे थे आज हमारे पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, उनका भी स्वागत है। मैं कुछ क्षण के बाद उनके भी स्वागत के लिए उनको पुकारूंगा।
सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से चाहूँगा कि दो शब्द जो दो सांसद हमारे पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं उनके बारे में अपने स्थान से कुछ कहने की कोशिश। मित्रों, आप सभी को जानकारी है कि इस समय सारे देश में भारतीय जनता पार्टी की ताकत तेजी के साथ बढ़ रही है। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार से इस समय पूरा देश त्रस्त है और यदि मैं कहूं कि हर मोर्चे पर इस सरकार के विफल होने के कारण आज हमारा देश संकट के दौर से गुजर रहा है तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। देश चाहता है परिवर्तन होना चाहिए और यदि परिवर्तन होना चाहिए तो विकल्प के रूप में यदि देखता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसने गड़बड़ हो गया जिसने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी न तो कांग्रेस का समर्थन लिया है और न तो कभी कांग्रेस को समर्थन दिया है। अकेली ऐसी से हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। सही विकल्प के रूप में, वास्तविक विकल्प के रूप में देश की जनता यदि देख रही है तो वह भारतीय जनता पार्टी को ही देख रही है। लेकिन आजकल कांग्रेस पार्टी भी यह मान चुकी है कि आगामी लोकसभा के चुनाव में उसकी पराजय होने वाली है, इसलिए तरह तरह के हथकंडे उसके द्वारा अपनाए जा रहे हैं। कल भी मैंने राष्ट्रीय परिषद के सम्मेलन में भी कहा था कि इन मायावी छल प्रपंचों से समस्त देशवासियों को सजग रहने की आवश्यकता है और मैं आज यह देख रहा हूं कि सचमुच निरंतर और जब से हम लोगों ने श्री नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है लोगों ने यह स्वीकार कर लिया है कि एक कन्विक्शन का और विजन का करेजियस कोई लीडर इस समय भारतीय जनता पार्टी में है जिसे भाजपा ने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया है तो वह श्री नरेंद्र मोदी है। लोगों ने मान लिया और आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आज हमारे दो सांसद, पहले हमारी दल के नहीं, दोनों निर्दलीय थे, इंडिपेंडेंट लड़कर इन दोनों लोगों ने चुनाव जीता है, श्रीमती पुतुल देवी और श्री ओम प्रकाश यादव, और दोनों ने यह फैसला किया है कि सचमुच यदि देश के लिए राजनीतिक क्षेत्र में रहते हुए हमें काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी ही अकेली राजनीतिक पार्टी है जिस पार्टी के साथ जुड़कर ही हम देश के लिए सही अर्थों में काम कर सकते हैं। इसलिए आज उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार करने का फैसला किया है। मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में स्वीकार करता हूं और उन सभी का स्वागत भी करता हूं। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि फूल लेकर के श्रीमती पुतुल सिंह को औपचारिक तौर से स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कराएं। तालियां कुछ और सब जो पीछे बैठे हैं, मैं आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि ओम प्रकाश यादव जो सिवान से हमारे सांसद हैं उन्हें औपचारिक तौर से भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करें। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सुशील कुमार मोदी जो हमारे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनसे आग्रह करूंगा कि पुतुल जी को औपचारिक तौर पर स्वागत करें। सुशील जी से आग्रह करूंगा कि ओम प्रकाश जी को औपचारिक तौर पर स्वागत करें। डॉक्टर सीपी ठाकुर से आग्रह करूंगा कि पुतुल जी को मिठाई खिला करके आप हमारे पार्टी में सम्मिलित करें। ये सब ले जाना पड़ेगा क्या? और वेदानंद सिंह जी को मैं माननीय विधायक वैशाली अछूता जी से आग्रह करूंगा कि उनको माला पहना करके उनको स्वागत किया माला वहां दे दीजिए।